लॉकअप की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक कौन है सबसे आगे, कौन है सबसे पीछे, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी हां, जिस तरीके से फिनाले की ओर बढ़ चुका है लॉकअप, तो जो कैदी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं फिनाले में खुद को आगे पहुँचाने के लिए, ट्रॉफी के और नज़दीक पहुँचाने के लिए। और बाहर फैंस भी, जो सपोर्टर्स हैं, अपने अपने फेवरेट्स को जिताने के लिए, फिनाले तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वोट्स दे रहे हैं। तो वोटिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो सामने आए हैं वोटिंग ट्रेंड। तो चलिए मैं शुरू करना चाहूंगी लास्ट से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन है। जी हाँ, पायल रोहतगी। अब शॉक हो जाएंगे कि पायल रोहतगी हैं सबसे लास्ट, जिनको वोट्स मिले हैं 1,84,000 के आसपास। फिर अली आते हैं, अली को 1,94,000 के आसपास वोट्स मिले। फिर शायशा, जिनको मिला है 1,96,000 के प्लस। अंजलि को मिला है 2,72,000 के करीब वोट्स। पूनम को 2,73,000 के आसपास। आजमा को 2,76,000 के आसपास वोट्स मिले हैं। शिवम को मिले हैं वोट्स 2,84,000 के आसपास। लेकिन भाई, जो सबसे ज़्यादा मतलब मुनावर के आसपास भी नहीं है कोई, सब कहीं ना कहीं 2,00,000 तक ही पहुँचे हैं, 2-3,00,000 तक ही पहुँचे हैं। लेकिन मुनावर के वोटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बाप रे बाप, 6,43,000 से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और ये वोट्स यही नहीं रुक रहे हैं, ये और भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो भी उनके साथ घर में हुआ, फैंस फुल ऑन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये लेटेस्ट वोटिंग जो आई है, इसके हिसाब से तो भाई पायल और अली जो है वो बॉटम टू में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।